हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये देखिए ये फ्लावर बॉल बनाकर सिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही यूजफुल है। इसको आप इस तरह से एक एक करके निकालें, इस तरह से देखिए, इस तरह से सजा लें, इस तरह से सजा कर देखिए इसमें से एक एक करके निकाल सकते हैं। और निकाल कर हम इस पर ये ग्लास अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, इस तरह से ग्लास रख सकते हैं और ये कप भी रख सकते हैं, इस तरह से किसी को सर्व करें तो बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए एक फ्लावर मेरा इसमें है, मैं इसको भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पर भी हम कोई चीज़ सजा सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल को। ये देखिए ये बोल है, ये बोल को भी हम इस तरह से ही छोड़ दें तो भी कोई ख़राब नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही इजी है और आसानी से बन जाने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग लेंगे ये, उसके बाद दो चेन बनाएंगे, एक दो चेन, और इस तरह से फंदा लेकर हम इस तरह से डबल क्रोशिया होता है ये, हमें 16 डबल क्रोशिया बनाना है, दो तीन, तो इस तरह से मैं 16 डबल क्रोशिया आपको बना के दिखाती हूँ। अभी 16 बन गया है। अब ये जहाँ पे दो चेन किया था हमने, यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इस तरह से स्लिप नॉट से जोड़ लेना है। इसके बाद दो चेन लेंगे, एक दो, और यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले यहाँ पे, यहाँ पे हमने जोड़ा, यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया हर एक में। अब हर एक फंदे में जैसे कि हमने 16 बनाए थे, अब 16 का 32 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। हर एक फंदे में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाते जाना है, एक और इसी में एक और। ये धागा है, इसको मैं इसी में कवरअप छुपा दूंगी। देखिए तो हमें 32 पूरा मैं बना के आपको दिखा, ये देखिए हमने 32 बना लिया है। फिर से हम जहाँ पे डबल क्रोशिया डबल चेन ले रखा था, दूसरा चेन, वहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप नॉट करना है, फिर दो चेन लेना है, और फिर उसके यहाँ पे नेक्स्ट में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक और ये दो, ठीक है। उसके नेक्स्ट फंदे में हमें सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, देखिए इस तरह से। फिर उसके नेक्स्ट फंदे में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब एक फंदे में हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, उसके अगले फंदे में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके अगले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से कुछ होगा, एक में हमने दो बनाया, फिर एक बनाया, फिर दो बनाया, फिर एक बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे, तो इस तरह से मैं पूरी राउंड कंप्लीट करूँगी। ये आपका 48 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए हमारा ये तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से जहाँ दूसरा चेन ले रखा है इसे करूँगी, फिर दो चेन। अब हमें इस नेक्स्ट वाले फंदे में दो डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। इसके अगले वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके अगले फंदे वाले में हमें एक ही डबल क्रोशिया करना है, उसके नेक्स्ट फंदे में हमें दो डबल क्रोशिया करना है, एक और ये दो, ठीक है। मतलब पहले हमने यहाँ पे किया था, एक में एक डबल क्रोशिया किया था, दूसरे फंदे में दो किया था, अब हमें इस फोर्थ राउंड में हमें दो में एक एक डबल क्रोशिया करना है और तीसरे में दो डबल क्रोशिया करना है, तो ये हमारा पूरा कंटिन्यू चलेगा। अब देखिए यहाँ हमने दो डबल क्रोशिया कर लिया है, तो दो अलग अलग फंदों में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और ये तीसरे वाले फंदे में मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं पूरी राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने चार राउंड बना लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे वैसे ही दूसरे वाले चेन से हमें इस तरह से ये करके एक चेन लेना है और इसे कट कर देना है। अब इसका काम हो गया है। अब हमें इसके पत्ते टाइप ये बनाना है, इस तरह से ये सेब ग्रीन है, तो इसका हम ये ले लिया। अब इसको हमें इस तरह से धागा करेंगे, नॉट बनाएंगे इस तरह से, और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ से शुरू किया, ये देखिए बीच से उठाना है, अभी फंदे में नहीं उठाना है, इस तरह से,
दो फंदों के बीच से यूं। उसके बाद हम ऐसे ये ले लेंगे, फिर तीन चेन, एक दो तीन चेन, और तीन चेन हो गया, और ये दो चेन और, एक दो चेन, तीन चेन हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया के बराबर, दो चेन हम बीच में ले लेंगे इसलिए। फिर एक फंदा उठाना है और जहाँ से हमने ज्वाइन किया है इसी में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, तो देखिए कुछ इस वी शेप का आ गया। फिर हम चेन नहीं लेना है हमें, फिर ये दो, एक दो फंदों को छोड़कर ये तीसरे वाले यहाँ पे हमें फंदे के बीच में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये देखिए इस तरह से ये, फिर इसी में दो चेन और इसके ऊपर अब फंदे के ऊपर इस तरह से ये। फिर चेन नहीं लेना है अगले फंदे में जाने के लिए हमें, ये इसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे ये धागे को। चेन नहीं लेना है हमें, फिर से ऐसे लेंगे और दो फंदे को छोड़ना है, एक दो, एक तीसरे फंदे में डालना है। ठीक है, तीसरे फंदे में यूं डाला हमने और ये डबल क्रोशिया करना है। फिर तीन दो चेन और एक, इसी में ही हमें एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए कुछ हमारा इस तरह से बनता जाएगा, तो मैं पूरी राउंड करके आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने पूरा बना लिया है। अब मैं इसको फिर से जहाँ पे दो चेन ले रखा है ना हमने, यहाँ पे लिया तो यहाँ पांच चेन था, बट जहाँ पे तीसरा चेन होगा यहाँ पे हम इस तरह से यूं, तो ये देखिए वी शेप का यहाँ भी आ गया। फिर एक चेन लेंगे हम, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं देखिए इस तरह का ये फ्लावर टाइप बनाना है हमें। देखिए इस नाप का हो गया है, अब ये बनाना है हमें, तो इसके लिए मैंने मरून ये ऊन लिया है। अब इसका हम इस तरह से लूप ले लेंगे गार्ड सा। अब यहाँ से बीच में देखिए जहाँ पे दो चेन लिया था ना, ये इसमें हमें पहले बांध लेना है यूं, और उसके बाद एक दो तीन चेन लेना है। देखिए ध्यान से, तीन चेन लेने के बाद इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। एक, इसको दबाते चलिए इसी में, दो और ये तीन, और जो तीन चेन किया था वो एक डबल क्रोशिया के बराबर है। अब इसे हम छोड़ देंगे फंदे को। अब यहाँ पे जो तीसरा चेन लिया था ऊपर, यहाँ पे ऐसे करके यू करना है और इसको इस तरह से खींच देना है। खींचने के बाद ये, इसके बाद देखिए खींच दिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर दो चेन लूंगी, एक चेन दो चेन, और इसी के ये जहाँ पे लिया था ना, यहाँ होल सा हो गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यू करके, और हमें दो चेन जो लिया था ये, इसके बाद हमें यहाँ पे यू इस करके ये सिंगल क्रोशिया से निकाल देना है। फिर दो चेन, एक दो चेन, फिर इसी में ही ये बीच में जो लूप बांधे थे हम, इसी के बीच में करके हमें ये निकाल देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर दो चेन, एक दो चेन, और फिर इसी में ही हमें ऐसे डालकर यूं निकाल लेना है। ये हो गया, फिर दो चेन लेना है, एक चेन और ये दो चेन, एक सेकेंड ये धागा छूट गया। एक चेन हो गया था, ये दो चेन। अब हमें यहाँ पे इस बीच वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है। फिर से दिखाती हूँ आपको यूं, और इसमें इस तरह से बिना फंदा लिए लेना है ऐसे, और ये सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। फिर से दो चेन, एक चेन दो चेन। अब नेक्स्ट इसमें जहाँ दो चेन का जो गैप है,
दो डबल क्रोशिया के बीच में वहां हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया दो हो गया, एक तीसरा और ये चौथा। चार डबल क्रोशिया बना के ऐसे निकालना है और यहाँ पे हमें पहले डबल क्रोशिया के फंदे से इस तरह से यूं करके निकाल लेना है। फिर दो चेन, देखिए ध्यान से, एक चेन दो चेन, और ये जो मुड़ा था ना ये बीच हो गया, इसके बीच में से निकाल के हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से दो चेन, फिर इसी में से निकाल के हमें सिंगल क्रोशिया से बांध देना है। फिर दो चेन, एक दो चेन, फिर इसी में से ही इस तरह से निकाल के हमें इस तरह से बांध देना है। हो गया ये तीन बार, और फिर दो चेन एक दो, तीन ही बार करना है इसके ऊपर। और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है, और फिर दो चेन, एक चेन, दो चेन, फिर इसमें हमें वही चार डबल क्रोशिया बनाना है। हमें दो डबल क्रोशिया, ये तीन डबल क्रोशिया, और ये लास्ट चार डबल क्रोशिया। फिर वैसे ही करेंगे यहाँ पे करके, तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से बनता जाएगा। ठीक है, ये जो हमने पूरा बना रखा है ना, देखिए इसी टाइप का फ्लावर फ्लावर टाइप ये बनता जाएगा। तो मैं पूरा राउंड बना के आपको दिखा, देखिए ये हमने पूरा बना लिया है। ये देखिए अभी लास्ट का बता देती हूँ मैं, ये हमने दो चेन ले लिया। अब ये जो यहाँ पे गैप है ना, इसमें मैं सिंगल क्रोशिया से इस तरह से यूँ जोड़ दूंगी, फिर दो चेन लूंगी, एक दो। दो चेन लेने के बाद इस पर हमें इस तरह से कहीं भी ऐसे ऊपर की साइड इस तरह से स्लिप नॉट से जोड़ लिया मैंने। एक चेन लेना है और इसको कट कर देना है। इसका भी काम हमारा हो गया, ये पूरा फिनिश हो चुका है। ये फ्लावर बन गया, इसको हम छुपा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का ये बन गया। इस तरह का देखिए मैंने ये चार बना लिए हैं, एक दो तीन और ये चार, चार मैंने बना लिए हैं चार पेयर। अब इसको इस तरह से हमें रखना है, तो अब चलिए इसको रखने वाला बोल वो बनाएंगे। अब इसको रखने के लिए हम ये बोल सा बनाएंगे, जो कि देखिए मैंने दो धागे ले रखे हैं, ये ब्राउनिश जैसा, ये थोड़ा सा इस टाइप का। अब मैं इन सबको इस तरह से हमें लेना है मैजिक रिंग, जैसे वो फ्लावर बनाने के लिए हमने मैजिक ले रखा था, तो उसमें हमने 16 बनाए थे ना, लेकिन डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें मैं सिंगल क्रोशिया बनाया था। देखिए सबसे पहले ऐसे मैजिक रिंग का ये पर कर लिया। अब पहले हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद इसी में हमें आठ इस तरह से आठ सिंगल क्रोशिया करना है। जैसे एक बिना फंदा लिए बनाया जाता है, तो एक हो गया, ये रहा दो तीन, इस तरह से मैं पूरे आठ बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पूरा आठ बना के इसको इस तरह से खींच लिया है। अब हम यहाँ जो एक चेन ले रखे थे ना, यहाँ जहाँ शुरुआत किया था हमने, यहाँ पे इस पे, यहाँ पे पहले तो ऐसे स्लिप नॉट से इस तरह से जोड़ लेंगे। इसके बाद एक चेन करेंगे, उसके बाद हर एक में, हर एक फंदे में इस तरह से डालकर हमें दो दो सिंगल क्रोशिया अब करना है। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसी फंदे में डालना है हमें दूसरे के लिए भी, मतलब आठ है तो अब हमें 16 कर लेना है। एक में डाल दिया दो बार, फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी दो बार डाल, दो बार सिंगल क्रोशिया करना है। एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर इसी में दूसरी बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में दो बार, नेक्स्ट ये देखिए ऐसे एक सिंगल क्रोशिया, इसी में दो सिंगल क्रोशिया, ये छः हो गया। और ये पूरा आठ है तो आठ दूनी 16, यानी कि 16 हम सिंगल क्रोशिया बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए 16 यानी 16 हमने डबल क्रोश ये सिंगल क्रोशिया बना लिया, ये हमने कर लिया। फिर से यहाँ पे हमें सिंगल स्लिप नॉट से हमें इस तरह से जोड़ लेना है, फिर एक चेन लेना है। अब पहले वाले उसमें, पहले वाले फंदे में हमें दो बनाना है सिंगल क्रोशिया, एक, और इसी में हमने एक और बना लिया, ये दो हो गया। अब उसके नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट फंदे में हमें एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है,
एक, बस। उसके नेक्स्ट में हमें फिर से दो सिंगल क्रोशिया बनाना है, मतलब एक फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक फंदे में हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो शुरुआत में जब हमने दो सिंगल क्रोशिया बना लिया था, उसके नेक्स्ट में हमने एक बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने दो बना लिया, फिर चौथे में हमें एक बनाना होगा, पांचवे में दो सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हमें 24 यानी कि 8 × 3 = 24, पहले 8 था, फिर हमने 8 × 2 = 16 किया, फिर 8 × 3 = 24, यानी 8 × 3 = 24 करके मैं पूरा आपको दिखाती हूँ। देखिए डबल दो सिंगल क्रोशिया हो गया है, अब मैं यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करूंगी, फिर दो, फिर एक, फिर दो, इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारा कर लिया है, फिर से यहाँ पे मैं लास्ट में ये 24 बना लिया है मैंने, फिर यहाँ पे मैं सिंगल ऐसे स्लिप नॉट से जोड़ लूंगी, फिर एक चेन करूंगी, फिर इसी में हमें फिर से दो डबल सिंगल क्रोशिया करना है, तो एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब हमें दो अलग अलग फंदों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक सिंगल क्रोशिया हो गया, उसके नेक्स्ट में हमें एक ही सिंगल क्रोशिया करना है, ये एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में हमें दो सिंगल क्रोशिया करना है। अब दो फंदों में, दो अलग अलग फंदों में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, जैसे कि हमने इसमें बनाया था ना, ये इससे बनाया था, ये चौथा राउंड चल रहा है, तो ये भी हमारा इसमें डबल डबल किया था, इसमें एक दो किया था, एक एक किया था, और इसमें हमने दो अलग अलग में, पहले वाले में हमने दो डबल क्रोशिया किया था, फिर दो में सिंगल सिंगल किया था, फिर दो किया था, तो वैसे ही इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। तो हमने ये दो अलग अलग में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें दो सिंगल एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसमें दो सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और उसके नेक्स्ट में हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो मैं पूरे राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ये पूरा टोटल हो जाएगा 32, पूरा 32 करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमने 32 कर लिया पूरा, फिर से वैसे ही हमें यहाँ पे स्लिप नॉट से इसे अटैच कर लेना है, यू। अब हमें पहले तो एक चेन ले लेती हूँ, अब हमें दोनों, देखिए एक फंदे में दो पार्ट होते हैं ना, तो दोनों पार्ट को करके कर रहे थे, अब हमें ये बोल टाइप बनाना है हमें, है ना। तो हम ये 32 है, अब इसे बढ़ाना नहीं है, बस केवल पीछे के पार्ट से हमें बैक पार्ट से इस तरह से हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है, बढ़ाना नहीं है, बस एक पीछे का पार्ट उठाना है, क्योंकि हमें कटोरी टाइप बोल टाइप बनाना है, ये फ्रंट का नहीं, ये होता है जैसे देखिए ये हमारा ये पूरा है, ये है, तो ये पूरा ना उठा के हमें पीछे का ये पार्ट उठाना है और हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है, यू इस तरह से। तो इस तरह से मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ आपको, ऐसे ही हर एक में एक एक ही सिंगल क्रोशिया करेंगे, बस ये आगे का पार्ट छोड़ते जाना है और पीछे का पार्ट उठा उठा के, ठीक है, बैक पार्ट को उठाते हुए बनाना है। ये देखिए हमने ये पूरा बुन लिया, अब ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा गुलाई लेने लगेगा। अब हम फिर से यहाँ पे अब इन दोनों में भी लगा सके, और इस तरह से हमने स्लिप नॉट कर लिया और ये एक चेन बना लिया। अब हमें ये जो 34 हुआ है 34 ही रखना है, अब दोनों फंदों में लेना है, जहाँ पे हमने स्लिप नॉट से किया था पहले वहाँ भी बना ले हम, यू। अब हर एक पे हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, अभी भी हमें अब दोनों फंदों को उठाना है, अब एक को नहीं लेना है, अब दोनों को लेना है, ऐसे, ठीक है, दोनों को लेके हमें 32 ही करना है हमें, ठीक है। पहले तो हमने एक एक फंदा एक एक पार्ट छोड़ दिया था, बैक पार्ट से लिया था, अब इन दोनों पार्ट को उठाते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया यानी 32 ही होना चाहिए। तो और इसको हम दो राउंड बिन के दिखाते हैं, तो एक नहीं दो बिन बुनना है हमारा, तो मैं पूरा दो राउंड बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने दो राउंड कंप्लीट कर लिया, एक और दो, अब मैं थोड़ा इंक्रीज करूँगी। देखिए ये हमारा ये बोल टाइप बन रहा है ना, तो इस हल्का सा इंक्रीज करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो पहले हमने इसमें हमें ऐसे स्लिप नॉट से ऐड कर लिया, जोड़ लिया इसको, एक चेन किया, अब बढ़ा रहे हैं, चूँकि पहले वाले
फंदे में हमने दो सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। फिर आगे तीन फंदों में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, जैसे एक सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में दूसरा एक सिंगल क्रोशिया किया, यानी कि तीसरे फंदे में, और चौथे फंदे में भी हमने एक सिंगल क्रोशिया किया चौथे, और ये पांचवें फंदे में हमें दो सिंगल क्रोशिया करना है, तो हमारा 40 टोटल सिंगल क्रोशियास हो जाएगा। देखिए फिर हमें तीन अलग अलग फंदों में एक एक करना है, जैसे एक में यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, देन इसमें एक सिंगल क्रोशिया, और इस वाले में चौथे वाले में हमें दो सिंगल क्रोशिया करना, ठीक है। तो अब पहले हमने एक में सिंगल क्रोशिया किया, दूसरे में दो सिंगल क्रोशिया किया, तीसरे वन नेक्स्ट राउंड में हमने एक में दो सिंगल क्रोशिया किया और दो में एक एक सिंगल क्रोशिया किया। अब हमें एक में दो सिंगल क्रोशिया करना है और तीन अलग अलग में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर चौथे में हमें दो करना है। इस तरह से मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पूरा बना लिया है। अब मैं एक चेन भी ले चुकी हूँ। अब मैं हर एक में ऐसे ही हमें तीन राउंड, मतलब एक भी ना बढ़ाना है और ना ही हमें घटाना है, ऐसे ही मैं तीन राउंड एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक फंदे में हमें बिनते जाना है, इस तरह से। जिस तरह से इधर दो राउंड हमने बिना था ना, उसी तरीके से हमें इसमें हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बिनते जाना है, इस तरह से। तो मैं इसको तीन राउंड बिनना है, ठीक है। तो मैं तीन राउंड इसको बीन के दिखाती हूँ। ये पहला राउंड हुआ, फिर दो दो राउंड और बीनेंगे हम, और इसमें चेन नहीं बढ़ाना है हमें, सिंपल। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह से ये बोल बढ़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे सा हो रहा है ना, तो ये पूरा मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने थ्री राउंड कर लिया है। अब यहाँ हमें जोड़ना है, इसको निकाल दे रही हूँ मैं। यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से जोड़ना है, यू। फिर एक चेन लेना है। अब हमें आगे की तरफ नहीं बढ़ना है, इसको टर्न करना है, ठीक है। और हमें बैक वाले पोर्शन से, इधर के पोर्शन में, वही एक फंदे में डालकर और यू सिंगल क्रोशिया करना है। बैक के पोर्शन से यहाँ पे हर एक, ये पीछे के फंदे में डालकर ऐसे, और हमें सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। इसको हमें बैक की तरफ ही चलना है, और दोनों फंदों में नहीं डालना है, पीछे के फंदे में हमें डालकर करना है सिंगल क्रोशिया, हर एक फंदे में डालकर, ठीक है, इस तरह से। तो ये डाल, ये मैं पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। ये पूरा इस तरह से नहीं उठाना है हमें, हमें इन दोनों में से एक पार्ट को उठा के बनाना है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये नीचे लटकते हुए सर। तो मैं पूरा ये बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने पूरा बना लिया, हल्का सा ये मुड़ा मुड़ा सा ये लग रहा है। अभी लास्ट का करना है हमें। तो यहाँ पे जो एक चेन ले रखा था ना हमने, यहाँ पे हमें एज इट इज स्लिप नॉट करना है, एक चेन लेना है और इसे कट कर देना है। ये हमारा फ्लावर बोल तैयार हो गया है बनके। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, इस तरह से। अब मैं इसमें इस तरह से फोल्ड करके, ये चार है, इन चारों को इस तरह से देखिए, ये हो गया, ये है, ये फ्लावर टाइप बन गया ये है। मैं इसको एक एक करके इसमें यूं करके रख दूंगी। ये हमारे डाइनिंग टेबल मैट के शोभा बढ़ाएगा, और आपके लिए यूज़फुल चीज़ भी है। अगर इसका यूज़ करें तो भी अच्छा लगेगा, और इस तरह से रखा रहेगा तो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए हमारा कितना सुंदर लग रहा है इस तरह से, ये देखिए। और इसका यूज़ हम सजाने के लिए भी, और कुछ बर्तन रखने के लिए, कप प्लेट ग्लास वगैरह रखने के लिए भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो कैसा लगा,
ये इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसे ट्राई भी कीजिएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर है। देखिए ये तरह से, इस तरह से कहीं भी सजा दे आप, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसे भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।